जय श्री राम सबको। तो आज हम अमृतसर के लिए निकलने के लिए तैयार है। तो आज हमारा पहला डे है और रात के बज रहे हैं 12 ऑलमोस्ट। तो चलिए हम सामान पैक कर चुके हैं, बस सामान उठाते हैं और चलते हैं। तो अब हम घर से निकल चुके हैं। हमने बुक करी है लक्ष्मी हॉलीडे से बस। तो उन्होंने कहा है कि वो बलड़ी बाईपास पे आएंगे, तो भाई मयूर ढाबे से हम चढ़ेंगे। तो भाई हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी पे, बस फैमिली आ रही है क्योंकि मम्मी पापा ही छोड़ने जाएंगे और शायद भाई भी आएगा। तो लेट्स गो, अमृतसर का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमारी बस आएगी। ये देखिए, यह मयूर ढाबा है। ये हाईवे, नेशनल हाईवे है जो दिल्ली से जाता है सीधा कश्मीरी साइड। तो यहीं पे बस आएगी अपनी। सुबह के बज चुके हैं 6। हम आराम से सोते हुए आए थे। देखिए हमारी बस आराम से, मतलब स्लीपर बस मिली हुई थी, तो 5 घंटे आराम से सो के आए हैं। अब व्यू देखिए जरा। हम फाइनली सुबह 7 बजे अमृतसर पहुंच गए और हमारे को एक बहुत प्यारे सरदार जी मिले जिन्होंने अपनी रिक्शा पे हमारे को बिठाया और हमारे को अमृतसर की सैर करवाई। तो हम चले और हमने इनसे पूछा कि यहाँ अमृतसर में घूमने की अच्छी जगह क्या है। तो इन्होंने बताया कि आप जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल, श्री राम तीर्थ मंदिर तथा एक और जगह बताई थी इन्होंने, वो मेरे को समझ नहीं आई पर ब्लास्ट में पता चल जाएगा। अच्छा चलो, अभी तो हम 1 हफ्ते हैं यहाँ पे, आराम आराम से घूमेंगे। साहब जी, जब घूमना भी होगा ना, एक मैं तुम होर गल दसा। हाँ जी, देखो तो सौ ये रिक्शा वैसे हमारे हरियाणा में तो बचपन में बंद हो गए थे। अच्छा, वहाँ नहीं चलते अभी ये रिक्शा। चलो चलो मतलब बचपन में बैठे थे इसमें हम। पर एक बात है, जैसे अपने करनाल में भी निर्मल कुटिया है, मतलब सरदारों में ऐसा होता है जी, मतलब दिल खोल के खिलाते हैं, लंगर खाओ जो मर्जी खाओ जी। मतलब बंगला साहिब गए हूँ मैं, वहाँ पे भी मतलब यही होता है, दिल खोल के जितना मर्जी खाओ और चाहे रात को 2 बजे आओ 3 बजे आओ। और सारे जो गरीब आदमी है करनाल के जो रिक्शा रुक्शा चलाते हैं, रात को सबने खाना निर्मल कुटिया ही खाना है, ये सबसे बढ़िया बात है। हाँ जी, आंदा जे जीवन सिंह जीवन जोगा, आंदा दिल्लियों शीस लिया ना, आंदा सिखा दी मुछ खड़ी ना होंगी जे हिंदू टिक्का लाउंदा ना। हाँ जी, तुहानू पता ना जे बाबा जीवन सिंह जी दिल्लियों शीस ना लियांदे, दिल्ली चौंक चांदनी दे विचों सारे मुसले बन जाने, फिर बाबा जीवन सिंह जी देने आ। मारा पिंड गग्गोमाल है भाई, जो गग्गोमाल पिंड है ना। अच्छा जी, ऑल वर्ल्ड दे विच मशहूर पिंड आ गग्गोमाल। गग्गोमाल गग्गोमाल जो गग्गोमाल पिंड है, बाबा जीवन सिंह जी का पिंड होया। अच्छा जी, जिन्हां दहे पातशाह दा सीस चुक के लियांदा। अच्छा, मतलब इतनी दूर आए, चलो बढ़िया है, अच्छी बातें करी। बता रहा था कि भाई 80 रुपये रिक्शा का किराया देना होता है डेली में, चलो भाई होता है। बाकी इसने मेरे से बस स्टेशन से मॉल रोड के 100 रुपये लिए हैं। तो अगर आप अमृतसर आते हो तो मॉल रोड सबसे फेमस है अमृतसर में, एक जगह है, तो वहाँ तक आने के 100 रुपये लिए भाई हमारे से। फिर हम शाम को अपने होटल में आ गए। हमने लिया था सिराज होटल जो कि 4-स्टार रेटेड था और होटल सही में बहुत अच्छा था। फिर हमने भैया से पूछा कि हमको रूम कौन से रूम अलॉट हुआ है, कौन से फ्लोर पे। तो भैया ने बताया कि आपका 3rd फ्लोर पे रूम है। तो हमने बोला चलो भैया चलें, फिर हमको हमारी दिशा दिखाइए। तो हम अपने रूम की तरफ गए, भैया हमारा बैग लेके आगे आगे चलते गए हमारे, और फिर भैया हमारे को हमारे रूम तक ले गए। रूम एक्चुअली में बहुत साफ था। तो भाई जो रेटिंग गूगल पे दे रखी थी इस होटल के लिए, तो वो सही में भाई सही निकली। रूम अच्छा था, एसी था, वेल मेंटेन था, साफ सुथरा था और टीवी लगा हुआ था, वाईफाई था। मैं घूम नहीं पाया क्योंकि मैं एक मीटिंग में आ रखा था। तो भाई मैं तो तुम्हारे को अपना रूम दिखा सकता हूँ। देखो रूम देख लो आप, रूम देखो बड़ा प्यारा रूम मिला है, एक सिंगल रूम बहुत एक बंदे के लिए। अमृतसर भाई अभी तक तो अच्छा जा रहा है,
बड़े अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं। बाकी देखो अगर कल टाइम मिला तो कल हम गोल्डन टेम्पल या देखते हो, रात को अगर टाइम मिला तो गोल्डन टेम्पल तो घूम के आने ही आना है। तो भाई छोटा सा ब्लॉग बना था, अभी तो पहला दिन स्टार्ट होया, तो भाई मज़े करेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपके साथ कल मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।